चांद छुपा बादल में। ये गाना मैं क्यों गा रही हूँ? वेल, ये गाना मैं इसीलिए गा रही हूँ क्योंकि अब मैं बात करने जा रही हूँ इस फिल्म के बारे में, और ये गाना सभी को इतना पसंद है, ये फिल्म इतनी पसंद है, इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फिल्म्स है, हम दिल दे चुके सनम। वेल, हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। क्यों बात कर रही हूँ मैं हम दिल दे चुके सनम की, चलिए बताती हूँ। आज डेट क्या है? आज है 18th of June 2019, यानी कि ठीक 20 साल पहले 18th of June 1999 को आई थी हम दिल दे चुके सनम। यस, यानी इस फिल्म ने 20 साल पूरे कर लिए हैं और आज भी ये फिल्म लोगों के दिलों पर राज करती है। सलमान के फैंस के दिलों पर राज करती है, ऐश्वर्या के फैंस के दिलों पर राज करती है ये फिल्म। सभी को ये फिल्म बहुत पसंद है, चाहे इस फिल्म का डायरेक्शन हो, इस फिल्म के स्टारकास्ट हो, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस फिल्म का, यानी कि सलमान और ऐश्वर्या एक आइकॉनिक जोड़ी रही है। हालांकि अब हम कभी उन्हें शायद साथ नहीं देख पाएंगे एक साथ काम करते हुए, लेकिन हाँ, ये जोड़ी जो है ये बॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट लव्ड जोड़ी है। जिस तरीके से ये फिल्म आई थी, इस फिल्म के लिए ऐश्वर्या राय को फर्स्ट टाइम फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया था, फर्स्ट आइफा अवार्ड मिला था ऐश्वर्या को अपने करियर का, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड हासिल किया था उस साल की बेस्ट फिल्म बनी थी ये फिल्म। यानी कि सभी तरह के रिकॉर्ड्स भंसाली जी की हम दिल दे चुके सनम में उस साल पर ब्रेक कर दिए थे, यानी कि 1999 में, और अब 20 साल हो चुके हैं इस फिल्म को, लेकिन आज भी कुछ चीज़ें कभी चेंज नहीं होती। जैसे चाहे भंसाली सर और ऐश्वर्या के बीच के रिश्ते हो, आज भी दोनों एक दूसरे को उसी रिस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं, उतना ही पैशन है दोनों को लेकर काम करने का। और जहां बात रही सलमान खान और संजय लीला भंसाली की, तो दोनों एक साथ अफकोर्स वापसी कर रहे हैं इंशाल्लाह में, जिसका बस बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। लेकिन अगर बात करी जाए हम दिल दे चुके सनम की, चाहे गाने हों, चाहे रोमांस हो, चाहे अजय देवगन हो, हर चीज़ उस फिल्म की, हर चीज़ याद रखने लायक है, और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है। क्यों? क्योंकि सलमान के फैंस उनसे इतना प्यार करते हैं कि हाल ही में भारत रिलीज़ हुई है, लेकिन काफ़ी फैंस जो हैं वो जगह जगह पर इस फिल्म की सेलिब्रेशन का, इस फिल्म की सक्सेस का सेलिब्रेशन बना रहे हैं कहीं ना कहीं। सलमान की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, चाहे हम दिल दे चुके सनम हो, हम आपके हैं कौन है, ऐसी बहुत, हम साथ साथ हैं, ऐसी बहुत फैमिली फिल्म्स हैं जो आप फैमिलीज़ के साथ जाके बैठ के देख सकते हैं, और उन्हीं में से एक फिल्म है हम दिल दे चुके सनम, जो मेरे दिल के भी बहुत करीब है, क्योंकि मेरी पर्सनल फेवरेट जोड़ी भी सलमान और ऐश्वर्या है। हालांकि अब शायद हम उन्हें कभी साथ में नहीं देख पाएंगे, बट नेवरदलेस आप लोगों को कितनी पसंद है हम दिल दे चुके सनम, और साथ ही साथ कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो आप सलमान खान की आने वाली फिल्म इंशाल्लाह के लिए, वीडियो के नीचे जाके कॉमेंट सेक्शन दिया गया है। क्यों दिया है कॉमेंट सेक्शन? कॉमेंट्स के लिए ना, कॉमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो के नीचे कॉमेंट्स करके मुझे बताओ, एंड Do not forget to subscribe. Comments करने के बाद subscribe भी करो. This is Jyoti Nahak signing off.